ओकेन। तो प्यारे बच्चों, लेसन फर्स्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने अभी तक पढ़ा कूलाम का नियम, चार्जेस के बारे में और वैद्युत क्षेत्र के बारे में, वैद्युत बल रेखाओं के बारे में, उनके गुणों के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूला, उस फार्मूले से इलेक्ट्रिक डायपोल के अच्छी और निरच्छी स्थिति में जो बल लगता है उसकी वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले बनते हैं अच्छी स्थिति में और निरच्छी स्थिति में, इसकी बारे में बात करेंगे। आवेश दो तरह का होता है, एक धन होता है एक ऋण होता है। धन आवेश का मतलब होता है कि उस आयन में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उल्टा सिस्टम होता है, कमी है तो धन। और ऋण आवेश का मतलब होता है उस आयन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, ऋण मतलब उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जो परीक्षण आवेश होता है वो हम टेस्ट करते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और परीक्षण आवेश कहीं पर भी रखेंगे किसी आवेश के पास तो ड्यू टू नेचर ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, अगर ये पॉजिटिव है परीक्षण आवेश पॉजिटिव है, इधर जाएगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। अगर परीक्षण आवेश के साथ माइनस चार्ज रखा जाए तो डायरेक्शन इधर होगी ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स, यानी इंटेंसिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। तो इन्हीं डायरेक्शन का बड़ा खेल होता है वेक्टर क्वांटिटी में, और उन डायरेक्शन से हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अच्छी और निरच्छी के फॉर्मूले निकाल लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका एक डेरिवेशन हमेशा पेपर में आता है लॉन्ग नंबर पे, ठीक है। तो अभी इसका वीडियो आपको आएगा, आप देखेंगे और किताब में इसको आप जरूर पढ़ें। जो वीडियो लेक्चर में दे रहा हूं इसकी मैं नोट्स भी देता हूं ताकि जो आप सुन रहे हैं वो आप पढ़ें और उसको नोट करें। All the best.